सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। सो ब्लॉग आज बहुत दिनों बाद आ रहा है और अब हम सोच रहे हैं जल्दी से जल्दी कंटिन्यू ब्लॉग डालें। तो अभी आपने पहले हमारे ब्लॉग्स देख ही लिए होंगे तो उनके हिसाब से आपको अच्छा लग रहा है, और जो भी आप कमेंट करना चाहते हैं कमेंट करें, और हम मतलब जल्दी से हमारे 1000 सब्सक्राइबर कराएं। 1000 सब्सक्राइबर हो नहीं पा रहे, 925 आई थिंक हो चुके हैं। तो जल्दी से जल्दी वीडियो शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो और लाइक करो। अभी हम जा रहे हैं शादी में, और शादी है किसकी वो आपको बताएगी डिम्पी, और किसकी शादी है बताओ। तो गाइज हम जा रहे हैं डेस्टिनेशन वेडिंग पे, जो कि मैं फर्स्ट टाइम ही अटेंड कर रही हूँ। वेडिंग है फरीदाबाद में सूरजकुंड, तो वहाँ पर ही रिजॉर्ट है, मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी थोड़ी करके, रील्स भी डालती रहूँगी। किसकी शादी है तो बता दे। तो शादी है मोना, मोना आपने देखा होगा मेरी वीडियोज में काफी रहती है, सिस्टर है मेरी, तो उसके बहन की शादी है। मतलब मेरी बहन की शादी है, मेरी बहन की शादी है। हाँ हाँ, मेरी शादी की शादी है, मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी है। तो मोना की सिस्टर की शादी है एग्जैक्टली, तो वो यहाँ रहती नहीं है, यूएस में रहती है, तो डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहे हैं, सब वहीं से आ रहे हैं। तो हम आपको धीरे धीरे आपसे। तो गाइस आ गए हम डेस्टिनेशन पे, अभी दिखाता हूँ आपको। मतलब यहाँ से पीछे से ना गेट बना हुआ है वेदांता के पास, तो वेदांता के अपोजिट साइड ही है सूरजकुंड में अंदर। तो अब अंदर एंट्री कर रहे हैं और एंट्री करके आपको दिखाता हूँ एंट्री गेट भी, तो चलते हैं एक बार मिलते हैं। तो गाइस देखो ये यहाँ का व्यू है, और ये काफी पुरानी सी बनाई हुई है चीजें, ये गुफा बनाई हुई है यहाँ पर एक। तो हम फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पर, काफी अच्छा व्यू है ये सामने देखो, यहाँ ये है शादी का वेन्यू आ गया, ये देखो कितना अच्छा बनाया हुआ है। वेन्यू पे हम आ गए हैं, वेन्यू पे अभी आपको दिखाते हैं थोड़ी देर में रेडी होके। तो गाइस पहुंच गए हैं वेन्यू पे, और एक बार चलते हैं अंदर। डिजाइन गैलरी के नाम से बना रखा है, बाकी ये सनबर्ड लेक हट व्यू करके है, लेक व्यू हट करके। तो यहाँ से एंट्री कर रहे हैं, हम चलते हैं अंदर, फिर मिलाता हूँ आपको सबसे। ये आ गए भवन महाराज, चल चल बढ़िया बढ़िया। अरे यार मैंने तो उस पर कर लेता ना व्हाट्सएप पे। मैंने दीदी को कॉल किया था, दीदी ने भी ये देखो डेकोरेशन वेन्यू के अंदर की, एक दिखाता हूँ मैं आपको चीज़ें। सब बैठे हैं घर वाले, ये सब हैं परिवार वाले, और इधर हल्दी का बना रखा है बैकड्रॉप, और इधर भी हल्दी का ही है। बाकी डिम्पी तो कर रही है तैयारी रील बनाने की, और हमने पहना दोनों ने, इसने पहना येलो येलो, और थीम पूरी मैच्ड है दोनों की हमारी, ठीक है। किशु हमारा लगा हुआ है खेलने में, उसे मिल गया अगस्त्य उसका दोस्त, उसका भाई छोटा, तो उसके साथ लगा हुआ है। बाकी बहुत ही सुंदर डेकोरेशन हुई भी है। सो गाइस ही इज द वन एंड शी इज द वन, यू बोथ विल बी ऑन आवर यूट्यूब चैनल। ओके यू बोथ डू लाइक दिस। ओके 3 2 1 गो। वो कहां गई? सो गाइस यहां पे स्टार्ट हो चुकी है हल्दी सेरेमनी, और ये रहे दोनों हमारे कपल्स, स्वीट कपल्स, और इधर ये रहे सब। डीजे लग गया है, इशू ये रहा, ये इनके डैड हैं जो। Thank you.
अब चल रही है गाइस मेहंदी की तैयारी। मेहंदी का डेकोरेशन थीम चेंज कर रहे हैं मेहंधी वाली, और सब सजाने हैं धीरे धीरे। इधर मेहंदी का प्रोग्राम चल रहा है, मेहंदी वहंदी लग रही है। डिम्पी भी तैयार हो रही है, मैं भी धोऊंगा पहले, ये लोग सब तैयार हो जाएं। बाकी यहाँ पे चल रही है डेकोरेशन, ये देखो। Sin chicharrón, un pedazo de jamón, o prefieres pollo frito, me pasa el corazón. Siempre ha sido comelón, y que me pones un moño de gordito. No, muchas gracias, pero no, el doctor ya me ordenó que me baje el cinturón. Es que me sube el colesterol, amorcito, me sube el colesterol. Es que me sube. आज है सगाई, और सगाई में हम पहुंच चुके हैं, तैयार हो चुका हूं। मैं पहना है ब्लैक इंडो वेस्टर्न, और ये रहा कुछ वेन्यू का लुक, बहुत बढ़िया सुंदर डेकोरेशन की हुई है। ये रही डिम्पी, फोटो खींच रही है ड्रंक इन लव, और इधर फोटो शूट चल रहा है मोना का व्लॉग, और इधर ये सब खाने का लगा हुआ है स्टॉल्स, बहुत ही बढ़िया अरेंजमेंट किया हुआ है। ये रही कुमुजी, कौन है व्लॉग लाइट का थोड़ा रिफ्लेक्शन आ रहा होगा, बाकी तो सब सही है। और खाना ये रहा, दही बल्ले, गोलगप्पे, बहुत सुंदर डेकोरेशन। उधर सगाई की सेरेमनी चल रही है, सगाई चल रही है उधर, और दिखाता हूँ आप लोगों को। गाइस इधर हो रही है सगाई, अब चलते हैं। हो चुके हैं वैसे तिलक, ओके सेम लाइट, तो आपको भी शॉट दिलाता हूँ साथ में, लेकिन आप थोड़ा पीछे रखो। कौन भैया अंकल के चलवा देता गाने तू भी यार।